तीन ओवर का खेल इस पहले इनिंग में बाकी है। पांच ओवर की समाप्ति, स्कोर है 48। ओके सर, लाइव यूट्यूब के माध्यम से एक बार फिर प्रभु सॉरी दाम जी अच्छे खिलाड़ी, अच्छे गेंदबाज, शुरुआती ओवर में रन जरूर निकले थे, तीसरी ओवर में खास तौर पर ज्यादा रन, उसके बाद रनों पर अंकुश जरूर लगाया है। दामजी चले, हरिओम की गेंद हवा में उड़ गई है, खिलाड़ी मौजूद है, क्या विकेट कीपर कैच लपक पाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक और सफलता, एक और विकेट दामजी के खाते में, एक और विकेट मोमाए लेन के खाते में। नारण आ रहे अपना हुनर दिखाने के लिए टू डाउन पर। हरिओम ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, हालांकि उनकी जिम्मेदारी थी लंबे छक्के चौके लगाने की। इस बार उनका विकेट मिला है दामजी भूषण को। मैं बात कर रहा था दामजी की, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। ऑपरेशन के बाद, इंजरी के बाद वापसी हुई है टीम में। भरत भाई ने कल बताया था रात को कि आपको खेलना है। एक बार फिर ये गेंद सीधे बल्ले से खेला है, बेहतरीन शॉट है, बिल्कुल अच्छा, 6 रन। समझे? हाँ, पर मजा उसे। ये रन आउट का खतरा, जी नहीं, बच गए। डीजे माँ गुजराती गए वगैरह स्वीट लगी, कैसे क्या बजा रहे हो समझ नहीं आता मुझे, लेकिन मजा बहुत आता है। दामजी भूषण जितनी तारीफ करे उतनी कम, दो विकेटें अपनी टीम के लिए निकाल चुके हैं दामजी। दामजी की ये गेंद हल्के हाथों से टहला दिया है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक रोकते आसानी के साथ। एक रन, बहुत ही अच्छा थ्रो आया सीधे विकेट के पूरे हाथों में। 56/2 आखिरी गेंद इस ओवर की, केवल इसके बाद 2 ओवर बाकी रहेंगे। सुबह का जो एटमॉस्फेयर है, ग्राउंड थोड़ा हल्का सा और उसकी वजह से गीला जरूर है, लेकिन भरत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ५७ रन, २ विकेट, 6 ओवर की समाप्ति। दामजी ने अपने 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की, हालांकि एक छक्का जरूर लगा, लेकिन फिर भी तारीफ के काबिल उनकी गेंदबाजी। अच्छे खिलाड़ियों में गिनती होती है उनकी, क्योंकि रफ्तार है उनके पास, वो लाइन और लेंथ है उनके पास। भाई पानीनी व्यवस्था माटे दरेक टीम ने आयोजकों तरफ थी पानीना बोटल आपवामां आव्या छे, ए तमे ज्यां त्यां ना मूकी देजो, ए तमारी टीम पासे ज राखजो, अने टूर्नामेंट दरमियान तमे एनो ज उपयोग करजो, कारण के दरेक टीम ने व्यक्तिगत रूपे, मतलब आपणे पर्टिक्युलर ए बोटल फाड़व्या छे। आप बधानो साथ अने सहकार, तमारा सौनो सपोर्ट छे, ए आ टूर्नामेंट ने सफळ बनावशे। 57/2 after 6, 6 ओवर, 57 रन, 2 विकेट।
ओके, बैटिंग पावर प्ले लिया है अब बैटिंग के द्वारा, यानी कि तीन खिलाड़ी आप सर्कल से बाहर रख सकोगे। किसका है पता नहीं। भाई 10 वाग्या छे, 10:30 वाग्या सुधी एटले के 10:30 सुधी ज ब्रेकफास्ट नी व्यवस्था छे। नास्तामां हजु कोई पण मित्रो बाकी होय तो झड़पथी जई नास्तो करी लेशो। गुरुकुळमां नास्तानी व्यवस्था चालू छे 10:30 वाग्या सुधी। राहुल, ओहो हो हो, क्या बेहतरीन शॉट है, क्या जबरदस्त शॉट है। नारायण का ये चाबुक वाला शॉट था, इतनी तेज गेंद आई उतना ही तेज रफ्तार से वापिस भेज दिया। नारायण ऑलरेडी एक छक्का इससे पहले लगा चुके हैं, तो कितने होनहार और कितने बेहतरीन हैं हम सब जानते हैं। अब कुछ परिवर्तन करने की कोशिश। गेंद ओल्ड बॉल भाई, बारे प्रैक्टिस करता है अपनी बैठ ले लियो थोड़ी बार में। दस त्रीस सुधी नाश्तो चालू रहेशे मारा मित्रों दोस्तों भाइयों। 10:30 वागे नाश्तानी व्यवस्था पूर्ण करवामां आवशे, एटले ब्रेकफास्ट में जे पण बाकी होय झड़पथी जई अने नाश्तो करी लेजो। चौका खाने के बाद राहुल, क्या शॉट खेला है, पता है कि बेहतरीन चौके छक्के लगाने की आवश्यकता है। नारायण, अच्छे प्लेयर में नारन की गिनती होती है, कच्छ लेवा पाटीदार के ये बेहतरीन खिलाड़ी। इस बार हल्की सी नीची रही, कुछ सोचते उससे पहले गेंद विकेट के पास चली गई थी। शैलेश पोलार सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अब तक खेल रहे 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर। इस बार एक बार फिर विकेट कीपर के पास गेंद। शैलेश ओपनिंग में आए थे, अब तक बरकरार है, अपनी टीम के लिए उपयोगी रन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि जो काम नारायण ने आकर के स्पीड से कर दिया है वो काम शैलेश को अभी करना होगा। राहुल चले, अच्छी गेंद थी, बैट से आवाज अच्छी नहीं आ रही है। कुछ तो वजह है कि उनके बल्ले से गेंदें उतनी तेज नहीं निकल रही है। सिंगल डबल से अब कुछ ज़्यादा रनों का स्कोर नहीं बन सकता, पता है कि आखिरी कुछ ओवर्स बाकी है, दो उसके बाद एक ही ओवर आना है। 63 रन बन चुके हैं। अब नारायण, ये देखिए उनका शॉट बिल्कुल फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, अंपायर के दोनों हाथ हवा में, 6 रनों के लिए।
शॉट 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का जो स्कोर है वो अब उछलता कूदता हुआ 9 रन ने 6 गेंदें खेली है, 19 रन बनाकर नाबाद है। शैलेश पोलार 13 गेंदों पर 15। अब भरत वेरार आ गए हैं गेंदबाजी में। अच्छा, कच एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, देखते हैं कच एक्सप्रेस कितनी तेज चलती है। ये तो कच एक्सप्रेस नहीं है, मलिंगा एक्सप्रेस लग रहा है भाई। वाइट ये मोड़ा का मलिंगा है भाई, मलिंगा ऑफ मोड़ा। पहली गेंद थी मलिंगा के बिल्कुल एक्शन में डाली गई गेंद थी। साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं, तेज करते हैं, शॉट अच्छा है, तगड़ा है, बाउंड्री तक जा सकता है क्या, देखेंगे। अंपायर सेज यस इट इज फॉर 4। था बिल्कुल पॉइंट और गले के बीच से निकाल दिया 4 रनों के लिए। शैलेश अब धीरे धीरे, उनको भी पता है कि टीम के लिए आखिरी कुछ गेंदे बाकी है, तो निश्चित तौर पर वो प्रहार करना जरूरी जो टीम के लिए उपयोगी रन बना सके। 74 रन 74 बन गए हैं, केवल 2 विकेट गिरी है, 5 गेंदे आना शेष से इस पहले मुकाबले के पहले इनिंग के। आगे आकर घुमाया है, ऊंचा भी है, दूर भी है, क्या ये सिक्सर है? जी हाँ, बिल्कुल 2 कदम आगे आकर उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। एक बार फिर पटकी गेंद को, क्या ये सिक्सर हो सकता है? 1 बाउंस फॉर 4, बिल्कुल मानो केवल 1 फीट दूर रह गया, वरना ये भी सिक्सर।
જીતતા જાઓ, કારણ કે હવે પછીની મેચોમાં જૂના બોલ આપણે ખાસ જોઈશે ભાઈ. अनिल हरिओम गेंदबाजी में पहली ओवर करेंगे. आमतौर पर वो पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते हैं. आज अपनी टीम को जरूरत के हिसाब से. जी बिल्कुल हरिओम, पहली ओवर करेंगे. तो स्ट्राइक में है इस वक्त हितेश पटेल और नॉन स्ट्राइक में हरेश तुबरिया. हितेश लाला भरपाई करनी होगी उनकी ओवर में जो रन उन्होंने गवाए थे. बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सीजन क्रिकेट भी खेलते हैं. आज उनके ऊपर जिम्मेदारी है टीम को पहली मैच में जीत दिलाने की. ये राउंड रॉबिन सिस्टम से खेला जाने वाला टूर्नामेंट है. अलग अलग मैचेस रहेंगे, एक टीम एक से ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, पॉइंट के हिसाब से वो टेबल में आगे बढ़ेंगे. आइए शुरुआत करते हैं दूसरी इनिंग का. 87 का टारगेट है 87. पहली गेंद हरिओम की, आगे बढ़ने की कोशिश जरूर थी लाला की, लेकिन पहली गेंद जैसे देखा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है वहीं पे दबा दिया बगैर किसी नुकसान के. जो भी दर्शक घर बैठे इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये ना कच्छ वागड़लेवा पाटीदार परिवार चैंपियन ट्रॉफी का पहला दिन और पहला मुकाबला है. दूसरा इनिंग चल रहा है. इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री राम ने, उनकी टीम ने बनाए है 86. 87 का टारगेट 8 ओवर के मुकाबले में करीब करीब 11 रन प्रति ओवर बनाने होंगे. इस मुकाबले को जीतकर पहली जीत अपने पॉइंट टेबल में 2 अंक अर्जित करने के लिए. अनिल हरिओम अहमदाबाद से बुलाया गया है उनको डायरेक्ट इस मुकाबले को खेलने के लिए. वंडरफुल प्लेयर है, तेज रफ्तार से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. नारण ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई. शुरुआत में जो तेजी चाहिए थी वो तीसरी ओवर में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद हल्का सा स्कोरबोर्ड रुक गया था, लेकिन नारण ने आते ही फिर आखिर में शैलेश ने इस बार पहला रन. जी बिल्कुल, लाला के बल्ले से निकलता हुआ पहला सिंगल. स्कोर मूव्स ऑन 1, अपना अकाउंट किया ओपन. टीम को जीत के लिए चाहिए इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए 87. 8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले. शुरुआती फर्स्ट ओवर का पावर प्ले कंपलसरी है. सेकंड पावर प्ले आप कभी भी ले सकते हो, यानी कि ओवर नंबर 2 से लेकर के 8 तक. श्रीराम वर्सेस मोमा 11 के बीच परिवार चैंपियन ट्रॉफी का यह पहला मुकाबला. डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है. आज रात को भी बहुत सारा एंटरटेन होगा, देर रात तक मुकाबले चलते रहेंगे. कल है संडे और संडे का फंडा, मजा जरूर आएगा. इस बार देखा सोचा परखा, जाने जरूर दिया, लेकिन आपको बता दूं कि रन बनाने हैं, बनाने पड़ेंगे. क्रिकेट में अगर आपके पास हुनर वाले खिलाड़ी है, तेज तर्रार रफ्तार वाले खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी बेहतरीन करते हैं, ऑलराउंडर है, तो फिर टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. हरिओम चले. इस बार विकेट कीपर के पास गेंद चली गई. एक एक ओवर बहुत कीमती है. एवरी सिंगल बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच, बिकॉज हम सबको पता है कि ये छोटा फॉर्मेट है. छोटे फॉर्मेट में आपके पास वो खिलाड़ी अगर एक अच्छी ओवर डाल जाता है तो फिर ये शॉट तगड़ा है, बेहतरीन भी है. क्या वन बाउंस पप्पो? यस इट इज. तो पहला बाउंड्री टीम के लिए. इस चौके के साथ टीम का स्कोर पहली ओवर की समाप्ति पर 5 रन बगैर किसी नुकसान के.
माय 11 फील्डिंग मां श्री राम हूँ। टीमों ने खास विनंती करीस भाइयों के एक पण मिनिट नो समय न बगड़े, खास करीने कैप्टन ने विनंती, तमारी 8 ओवर अर्धा कलाक नी अंदर ज पूरी करवानी रहेशे। ओनली 35 मिनिट्स यू हैव, 35 मिनिट मां आपणी इनिंग पूरी थवी जोईए, कारण के हिसाब थी ज आपणे बधी ज मैचो आगळ वधारवाना छीए। टाइम फॉर द सेकंड मैच, आशापुरा 11 वर्सेस एनजीएम बॉय। टेल इज द कॉल और ये है टेल। बिल्कुल, क्या करना पसंद करोगे? फील्डिंग। ओके, सो आशापुरा ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को। दूसरा मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। हेलो, हेलो, त्रण ओवर 20 रन 1 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति 20, अभी भी लंबी मंजिल तय करनी होगी। कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार परिवार चैंपियन ट्रॉफी, वागड़ के सारे खिलाड़ी वासी वॉरियर्स के द्वारा आयोजित ये चैंपियन ट्रॉफी इस साल डे और नाइट के रूप में है, 25 और 26 ऑफ मार्च। मजा आएगा। संदाज से उन्होंने गेंदबाजी की, 2 विकेट मिले। लाला गेंद निकल गई है थर्ड मैन पर, खिलाड़ी मौजूद है, पहला तेज और दूसरे के लिए निकल पड़े। रनआउट का खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन फिलहाल वो टल चुका है। तेजी से रन बनाने होंगे, प्रत्येक ओवर में करीब करीब एक छक्का या चौका लगना आवश्यक है, बिकॉज ऑफ 20 रन बने हैं 3 ओवर में। ये हवा में उड़ गई है, मौका कैच का है, हरिओम मौजूद है, लेकिन निश्चित तौर पर टीम के लिए उपयोगी रन बचाए हैं उन्होंने। ये छक्का हो सकता था, लेकिन उन्होंने 5 रन तो जरूर बचा लिए। अच्छा भाइयों, ओ भाइयों, बाउंड्री अपनी छेक त्या, हेलो आ बाजू बैठा हरिओम नी बाजू में ग्रेट रेक, त्या बाउंड्री छे अपनी, एटले प्लीज त्यांथी पाछड़ बेसी जाओ, कारण के ई लाइन छे छेक बाउंड्री सुधी नी छे, जे आपड़ी दीवाल सामे ब्लू, आपड़ी भाई टीम
दामजी भाई तमे थोड़ा अंदर जता रहो कारण के आपड़ी जे सीमेंट नी पारी करेली छे त्यां सुधी आपड़ी बाउंड्री छे पछी बड़ी कैच मां छेले प्रॉब्लम थाय एना करता दामजी भाई तमारी टीम ने पण विनंती पारी थी यस भाई बधाने हवे आमां एक एक ने नाम लईए येलो ड्रेस वाला भाइयो दामजी भाई ने विनती करीस के त्यो आजूबाजू ने मित्रों ने कही दियो भाई एक ज वक्त यार सूचना आपवामां आवे भाईओ माटे थोड़ी वारे घड़ी सूचना होय मारा वाला और ये देखिए बेहतरीन शॉट सिक्सर एमा एमनो वाक नथी आपडो मानस जात नो स्वभाव छे तमे कहो ने के ब्रह्मांड मां 25,287 तारा छे तो आपडे मानी लेशु पण तमे एम कहो ने के आ बांकडो छे ताजो कलर करलो छे अडवो नहीं तो चेक करशे ओए हमणा करे पण भाई भरत भाई आपके लिए सूचना आ रही है धन्यवाद मंडल तुम चा आभारी है वाह एक बार फिर ये गेंद बिल्कुल चार ओवर की समाप्ति 33 रन एक विकेट 24-54 जो ये ભાઈઓ જો તમને એક વાત કહું આપણી બાઉન્ડ્રી છે ને છેક સિમેન્ટની પારી સુધી છે વારે ઘડી કેવું લાઈવ ચાલતો હોય તો સારું પણ નહીં લાગે એટલે પ્લીઝ આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે પારીની પાછળ જ બેસજો ત્યાં કાઉન્ટર લઈ જાઓ તમને એવું લાગે તો સરસ મજાના ડગઆઉટ બેસવા માટે બનાવેલા છે આજુબાજુ ઝાડ છે ખુરશીઓ છે બધી જ વ્યવસ્થા સરસ છે તો એ આપણે ખેતરમાં ક્યારે વાર તો અમે એક પગા બાજુ લોડવીને બેહવાની આદત બોલો તેત્રીસ રન ચાર ઓવર કી સમાપ્તિ ગેંદબાજી મેં જયેશ કારોત્રા જયેશ ભાઈ કો પતા હૈ યે ઓવર કિતના ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ ઓવર નંબર 5 લાલા બલ્લેબાજી કર રહે હૈ लाला रिसीव करने की कोशिश जरूर कर रहे पता है उनको कि थर्ड मेन रीजन पर कोई खिलाड़ी नहीं है वहां रूम बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन सही तरह से बल्ले पर नहीं आए इस बीच ये गेंद सीधा हाथ में विकेट मिल गया है बहुत बड़ा ये उम्मीद पर झटका है मान लीजिए नारायण भाई रिटर्न आवो ने त्यारे आ वच्चे जी ले लेजो कैच कोने करियो पहली बार करियो વાહ 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 લાગતું એવું હતું એટલે દિનેશભાઈ બીજું કઈ નહીં
કારણ કે જે તમારો ઉત્સાહ હતો ને. વાહ વાહ, વેલ કેચ. गेंदबाजी में जयेश कारोत्रा ने इस ओवर में कोई रन नहीं दिया है और एक विकेट. अब भरत भाई, भरत वैरात. ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी. वाह, मुश्किल स्थिति अब बनती हुई मोमा इलेवन के लिए. भरत भाई अब बैठे बैठे खड़े हो चुके हैं, उनको पता है कि ये क्या हो रहा है. रन बहुत चाहिए जीतने के लिए. अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार से निकल गई. अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे थे. ભાઈ બારે જે મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરે છે એમને વિનંતી, વારે ઘડી બોલ અંદર આવે છે, થોડુંક ધ્યાન રાખજો પ્લીઝ. યે ગેંદ બિલકુલ હવા મેં થી થોડી દેર કે લે, લેકિન એક રન જરૂર મિલેગા વિથ ધ સિંગલ. નાઉ સ્કોર મૂવ્સ ઓન 34. કાફી સમય કે બાદ રન મિલા હે. જીત અબ ધીરે ધીરે દૂર હોતી જા રહી હે, ક્યુંકિ જીસ પ્રકાર સે શરૂઆત ચાહીએ થી વો મિલી નહીં હે. પાંચવા ઓવર આ ગયા હે, એક ગેંદ રહે ગઈ હે ઓર કેવલ 34 પણ હે. ઇસકે બાદ 18 गेंदें रह जाएगी और 50 के आसपास रन बनेंगे. हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहा लेकिन उड़ाया नहीं. पहला रन तेजी से, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं निकलेंगे. ये देख लीजिए ओवर थ्रो के रूप में पहला रन, ये दूसरा. क्या चौका जा सकता? ओ, अच्छी फील्डिंग. तीन रन कुल मिलाकर मिले. ત્રણ ઓવર માં 50 જોઈએ ભાઈ. ભાઈ લાઈવ પાસે જે મિત્રો બેઠા છે ઓફ સાઈડ માં, એક આપણું હોર્ડિંગ્સ બેનર છે પડી ગયો છે, એની પાછળ નાનકડો પથ્થર મૂકીને થોડો વ્યવસ્થિત રાખી દેવા માટે વિનંતી, સહયોગ આપજો. अब आ गए हैं हरिओम. अब उनको फिर एक बार गेंदबाजी में लाया है, पता है ओवर इम्पोर्टेंट है. अनिल चले, पहली गेंद तेज गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली थी, हेलीकॉप्टर के स्टाइल में खेला था, जरूर एक रन जरूर मिला. धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे हैं, भरत और रौनक. भरत की ये गेंद, भरत के लिए पटकी हुई गेंद थी. एक बार फिर एक रन. अब सिंगल डबल से काम होने वाला है नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आखिरी गेंद तक मुकाबला छोड़ना नहीं है, क्योंकि रन रेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मुकाबला एलिमिनेटर तक जाएगा तब पता चलेगा कि एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट है. आप जितने कम रनों से हारते हो, अगर निश्चित रूप से हार आपकी आपके हौसलों पर दबाव डालेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं बस हौसला छोड़ना नहीं है. अनिल हरिओम इंपोर्टेंट ओवर लेकर के आए हैं. 18 गेंदों पर 50 चाहिए थे. अनिल चलाए, एक बार फिर अच्छी गेंद लगातार. हरिओम ने ब्लॉक होल में गेंदबाजी की है लगातार. शॉट तो अच्छा है, विकेट के पास थ्रो करते तब तक दो रन जरूर मिल गए हैं. मैंने पहले ही कहा है कि सिंगल डबल से काम होने वाला है नहीं, बिकॉज चक्के और चौके चाहिए. इस वक्त स्कोर जो है वो 43, 43 रन बने हैं. आखिरी कुछ
ओवर्स में लंबे छक्के चौके अपनी टीम के लिए उपयोगी स्कोर बना पाएंगे। देखते हैं रौनक और भरत। भरत फिलहाल स्ट्राइक में, 5 गेंदों पर 4 रन बनाए हैं। हरिओम चले, बहुत तेज गेंद थी, विकेट कीपर भी चूके, थर्ड मैन भी चूके, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, बाय के रूप में चौका। लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम है वो थोड़ा किया जाए, बिकॉज सभी दोस्त कह रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। ये गेंद हवा में है, नारण मौजूद, एक और आसान सा कैच, जिससे पहले भी बेहतरीन कैच ले चुके हैं वो। हरिओम को मिलने वाली पहली सफलता। शैलेश भाई, छह ओवर की समाप्ति, 47 तीन विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों पर 40 रन चाहिए, 20 रन प्रति ओवर इस मुकाबले को जीतने के लिए। जो भी दर्शक इस मुकाबले को घर बैठे, TV24 लाइव इवेंट यूट्यूब चैनल पर जो भी दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं उनको बता दूं कि कच्छ वागड़लेवा पाटीदार परिवार चैंपियन ट्रॉफी 2023 का ये उद्घाटन मुकाबला है, पहला मुकाबला है। मोमाई 11 के सामने श्रीराम 11। मोमाई ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। श्रीराम ने निर्धारित 8 ओवर में 86 रन बनाए थे। अभी जीतने के लिए अभी भी 2 ओवर में 40 चाहिए। रन आउट का खतरा, बिल्कुल बिल्कुल, अंपायर सेज यस इट इज। रौनक को आना होगा वापिस, रन आउट के रूप में विकेट गिर गया। भरत भाई, बागेश्वर सरकार टीम ने जरा कम राम राम में करता हुआ कहता है वो थोड़ा पगा बाजू ले लिया। हाँ, अब राम राम कर लेता हो तो पग नु कह दे जरा, बच्चे पग तुम्हारे बाहर, जय बागेश्वर धाम। राहुल न्यू बैट्समैन, भरत अच्छी गेंदबाजी। आप देख लीजिए आखिरी कुछ ओवर बाकी है और पता है कि टीम को जीत तो मिल रही है लेकिन बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी जीत उतना ही पॉइंट टेबल में आपको नेट रन रेट में फायदा। और ये राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट है, यानी कि एक टूर्नामेंट एक ही टीम को ज्यादा मैच खेलने हैं। ये शॉट, खिलाड़ी मौजूद, हरिओम के पास से कैच कभी नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, बहुत ही अच्छा कैच। एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं और इस ओवर में ये एक और सफलता मिल गई है। न्यू बैट्समैन दो रन जरूर मिले हैं। न्यू बैट्स का नाम प्लीज,
50 रन मुकम्मल हुए हैं टीम के। जो भी दर्शक लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं कि कमेंट्री हम 11 बजे तक थोड़ा स्लो रूप में चलाएंगे, बिकॉज एग्जाम चल रहा है। ये शॉट बेहतरीन है, ये सिक्सर है, ऐसे शॉट और नो बॉल। हाइट के रूप में अंपायर ने कहा है कि ये नो बॉल है। चेटला मित्रों लाइव जो ही रहा है भाइयों, कमेंट्री थोड़ी बार आपने स्लो पण आपीशू अने थोड़ा थोड़ा समय पछी आपीशू, कारण के गुरुकुल में एग्जाम चाले छे अने 11 वाग्या पछी आपणे रेग्युलर कमेंट्री चालू करशू। त्यां सुधी आप धीरे धीरे स्कोर ने अने टूर्नामेंट ना अलग अलग मैच ने माणता रहेशो। छ ओवर में 7 ओवर में 59 रन, आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए जीतने के लिए। 28 रन टू विन। आशापुरा 11 ने खास विनंती छे के आ बाजू मैच पूरी थती होय, खिलाड़ियो मैदान थी बहार आवता होय, ईज समय तमे फील्डिंग गोठवा माटे सीधा ग्राउंड में पहोंची जजो, कारण के ऑलरेडी आपणे सवारना थोड़ा लेट थई चूक्या छीए अने सामे आपणे दिवसमां घणी बधी मैचो पूरी करवानी छे। एटले प्लीज आप सौने रिक्वेस्ट छे, साथने सहकार आपजो। आयोजक मित्रों खूब मेहनत करी रह्या छे, रात्रे लगभग 2 वाग्या सुधी अमारी पूरी टीम आ ग्राउंड पर रही अने बधीज कामगीरी पूरी करी छे। एटले प्लीज तमारा तरफथी एटलो साथ अने सहकार। अब आ गए हैं भरत भाई, बॉल कितना बाकी है? 3 गेंदे शेष है, 3 सिक्स लगाते हैं तो कैलाश भाई की ओर से 5,000 रुपए, चौका लगाते हैं 3 फिर भी। अबे एम न कहता हो कि अगला बोले स्ट्राइक में आवे तो पण
બે બોલ 22 રન મેચમાં ઔપચારિકતા બાકી છે પણ છતાં જેટલા રન આવે એટલા ઉપયોગી કારણ કે રન રેટ આધારિત આ ટુર્નામેન્ટ વધુને વધુ રન ઓ ઓ ઓ માય ગોડ થોડા ધ્યાન રાખીએ મેરે ભાઈ સાહેબ મેચ તો કલ ભી ખેલી જાયેગી આશાપુરા ટીમ